किसान भाइयों नमस्कार, मैं भीम सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आलू की खेती करने वाले किसान फसल की अच्छी ग्रोथ भी चाहते हैं और आलू की अधिक पैदावार भी। आलू के कंद बड़े बड़े होने पर ही आलू की अधिक पैदावार मिल सकती है। अक्सर क्या होता है कि जब आलू की फसल तैयार हो जाती है और किसान आलू की खुदाई करते हैं तो 2 से 3 आलू ही काफ़ी बड़े मिलते हैं, बाकी आलू छोटे छोटे होते हैं। बड़े आलू का रेट कुछ अधिक मिलता है छोटे आलू की अपेक्षा। ज़्यादा छोटा आलू होने की वजह से आलू की वह पैदावार नहीं मिल पाती है जो किसान चाहते हैं। चूँकि आलू अधिक खाद खाने वाली फसल है, इसलिए किसान खेत में गोबर की खाद देने के अलावा रासायनिक उर्वरक जैसे DAP, पोटास, यूरिया, सल्फर, जिंक, सिंगल सुपर फास्फेट आदि की पूर्ति बुआई के समय ही कर देते हैं, जिसका उन्हें बढ़िया रिजल्ट मिलता है। किसान बताते हैं कि आलू में जो भी रासायनिक उर्वरक देना है वह बुआई के समय ही दे देना चाहिए। फसल में पानी चलाने के अलावा कुछ टॉनिक, NPK और पाले से बचाने के लिए फंगिसाइड आदि का स्प्रे करते रहना चाहिए। टॉनिक और NPK आदि का स्प्रे आलू की फसल में बुआई के 30 दिन बाद से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा समय होता है जब आलू के पौधे की जड़ में कंद बनने शुरू हो जाए, तो उस समय से टॉनिक, NPK और फंगिसाइड का स्प्रे करने की शुरुआत करनी चाहिए। टॉनिक के तौर पर किसान सागरिका या बाईबीटा, जिब्रेलिक एसिड, यूबिक एसिड आदि का स्प्रे कर सकते हैं। NPK 0534 और NPK 0050 का स्प्रे सबसे बेहतर रिजल्ट देता है। मान लीजिए आपकी आलू की फसल लगभग 35 से 40 दिन की हो गई है, तो टॉनिक के तौर पर बायोबीटा या सागरिका 250 ml प्रति एकड़ की दर से और साथ में NPK 0534 1 किलो और फंगिसाइड के रूप में अल्ट्राकाल 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से लेकर तीनों को 200 लीटर पानी में मिलाकर आलू की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। यह डालने के 15 दिन बाद ह्यूमिक एसिड का स्प्रे किसी फंगिसाइड के साथ मिलाकर कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड देने के 15 दिन बाद आप चाहें तो जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल NPK 0050 के साथ मिलाकर फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह इस प्रक्रिया को 1 या 2 बार फसल में दोहरा सकते हैं। जैसे 2 बार पहले आपने सागरिका या बायोबीटा का स्प्रे कर दिया, दूसरी बार 2 बार ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर दिया, वही तीसरी बार 2 बार जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर लिया है। इनके साथ बार बार NPK और फंगिसाइड मिलाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत दिखे तभी मिलाएं, अन्यथा अनावश्यक रूप से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल न करें। इस तरह यदि किसान अपनी आलू की फसल में टॉनिक, NPK, फंगिसाइड आदि का स्प्रे करें तो उन्हें इनका बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। फसल में हरियाली अच्छी रहेगी, फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी, आलू के कंद भी काफ़ी बड़े बड़े होंगे, जिससे आलू की बहुत अधिक पैदावार मिलेगी। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।